सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज़ कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज़ आज के इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप का मूडी टोन में फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल इजी और आसान स्टेप में। आप लोग ये वीडियो फुल वॉच करते हो तो आप भी इजीली कुछ इस टाइप का मूडी टोन में अपना फोटो को एडिट कर पाओगे। आप लोग बिगनर हो तो भी कर पाओगे। आप लोग ये वीडियो फुल वॉच करो और जो भी स्टेप बताया हूँ आप लोग फॉलो करो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गैस सबसे पहले अपना फोटो को लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। तो गैस देख सकते हो मैंने अपना लाइटरूम ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से ऑल फोटो में जाते हैं। ऑल फोटो में जाके अपना फोटो को यहाँ से ओपन करेंगे। जो भी फोटो आप लोग एडिट करना चाहते हो उस फोटो को यहाँ से ओपन कर लेना है। तो गैस देख सकते हो मैंने इस वाले फोटो को यहाँ से ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद आप लोग ये वीडियो फुल वॉच करो। सबसे पहले फ़ोटो का बेसिक एडजस्टमेंट करेंगे, तो जैसे कि फ़ोटो का लाइट एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से जाते हैं लाइट वाले टूल में। लाइट वाले टूल में जाके यहाँ से लाइट एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से इसका कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस कर देंगे, कुछ इतना माइनस करने के बाद यहाँ से इसका हाईलाइट को भी थोड़ा सा माइनस कर देते हैं थोड़ा सा। फिर इसका शेडो को यहाँ से इंक्रीज कर देंगे, देख सकते हो थोड़ा सा ब्राइट हो गया है। फिर यहाँ से इसका ब्लैक्स को थोड़ा सा माइनस कर देते हैं। आप लोग अपना फ़ोटो के अकॉर्डिंग ही अपना फ़ोटो का लाइट एडजस्ट करना। फिर यहाँ से इसका वाइट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फिर आते हैं यहाँ से इस कलर वाले टूल में। कलर वाले टूल में आके यहाँ से मिक्स टूल में जाते हैं। मिक्स टूल में आके रेड कलर को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसका सेचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फिर लुमिनेंस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फिर आते हैं ऑरेंज कलर में। ऑरेंज कलर में आके इसका लुमिनेंस बढ़ा देंगे, देख सकते हो फेस थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है। आप लोग अपना फोटो के अकॉर्डिंग रखना। तो इसका सेचुरेशन थोड़ा सा माइनस करेंगे। फिर आते हैं यहाँ से इसका ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। येलो कलर में आके इसका सेचुरेशन ह्यू पूरा माइनस कर देना है। फिर इस ग्रीन कलर में आके सेम इसका भी सेचुरेशन ह्यू माइनस कर देना है। इसका ह्यू को पूरा नहीं, थोड़ा सा प्लस के साइड रखेंगे। इसका लुमिनेंस थोड़ा सा माइनस कर देंगे। फिर इसका मैजेंटा कलर में आके इसका ह्यू सेचुरेशन दोनों माइनस कर देंगे। फिर आते हैं ब्लू कलर में। ब्लू कलर में आके इसका ह्यू सेचुरेशन सेम दोनों का माइनस कर देंगे। फिर इसका लुमिनेंस थोड़ा सा माइनस कर देंगे, देख सकते हो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा जो भी ब्लू कलर था। फिर आते हैं इस वाले कलर में। इस वाले कलर में आके इसका भी सेचुरेशन पूरा माइनस कर देना है। अपना फोटो को पूरा डिसैचुरेट कर देना है। डिसैचुरेट करने के बाद यहाँ से इसको सिंपली यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद देख सकते हो फोटो अपना डिसैचुरेट हो चुका है। इतना कर लेने के बाद अभी आते हैं यहाँ से नीचे इस वाले टूल में, डिटेल्स वाले टूल में आके यहाँ से फोटो का क्लियरिटी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फिर यहाँ से इसका विगनेट को थोड़ा सा माइनस कर देंगे, कुछ इतना कर लेता हूँ। फिर मिड पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ से माइनस कर देंगे। फिर इसका फेदर को पूरा फुल कर देना है। फुल करने के बाद यहाँ से इसका राउंडनेस को अपना फोटो के अकॉर्डिंग बढ़ाना है, तो इतना बढ़ा लेते हैं। तो कुछ इतना बढ़ा देता हूँ। इतना करने के बाद अभी आते हैं यहाँ से नीचे। इतना करने के बाद विगनेट को थोड़ा सा यहाँ से कम कर देंगे। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ से नीचे आते हैं इस वाले टूल में, कलर वाले टूल में आके वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ से कलर ग्रेडिंग टूल में आते हैं। सारा खेल यहीं पर होगा। तो यहाँ से शेडो के लिए कलर्स को चूज करेंगे। तो पहले इसका सेचुरेशन बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ से ह्यू के लिए कलर चूज करेंगे। तो यहाँ से मैं इस ब्लू वाला कलर को चूज करता हूँ। तो यहाँ से इसको इस कलर को चूज करते हैं। फिर इसका सेचुरेशन थोड़ा सा माइनस करेंगे, कुछ 50 के आसपास। फिर इसका लुमिनेंस यहाँ से थोड़ा सा माइनस कर देंगे, थोड़ा सा माइनस 30 के आसपास। इतना करने के बाद ऐसे इसका ब्लेंडिंग को देखेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फिर आते हैं यहाँ से हाईलाइट के लिए कलर चूज करेंगे। तो सेम इसका सेचुरेशन बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद यहाँ इसका कलर चूज करेंगे। तो यहाँ से येलो वाला कलर को चूज करता हूँ। येलो वाला कलर चूज करने के बाद इसका सेचुरेशन थोड़ा सा माइनस रखेंगे 35 के अराउंड। फिर इसका लुमिनेंस थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देंगे। फिर इतना करने के बाद मिड पॉइंट के लिए कलर चूज करते हैं। तो यहाँ से सेचुरेशन से बढ़ा लेना है। फिर इस वाले कलर को चूज करता हूँ। यहाँ से आप लोग को जो भी कलर अच्छा लगेगा
आप लोग उसी कलर को चूज कर लेना है। फिर इसका सेचुरेशन यहाँ से थोड़ा सा माइनस रखेंगे 30 के आसपास। फिर इसको यहाँ इतना करने के बाद सिंपली यहाँ से इसको डन कर देना है। इसको यहाँ से डन करने के बाद अभी आते हैं, देख सकते हो बिफोर आफ्टर कितना अच्छा कलर टोन में अपना फोटो एडिट हो चुका है। फिर आते हैं यहाँ से नीचे इस वाले टूल में, शार्पनिंग बढ़ा देंगे फोटो का। फिर डबल टैप करके इसका मास्किंग कर देते हैं। मास्किंग करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा नॉइज रिडक्शन बढ़ा देंगे। तो गाइस देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। फिर आते हैं यहाँ से नीचे इस वाले रिमूव क्रोमेटिक, इसको क्लिक करेंगे, इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद अभी फोटो एडिट हो चुका है। फिर इतना हो जाने के बाद अभी आते हैं फाइनल टच करेंगे फोटो में। तो मास्किंग वाले टूल में आके प्लस आइकन में क्लिक करके एक रेडियल ग्रेडियंट लेंगे कुछ स्टेप से। फिर अपना फेस को फेस में कुछ स्टेप से ड्रॉ करेंगे, जहाँ जहाँ डार्क लग रहा है थोड़ा सा फेस को ब्राइट कर देंगे। तो यहाँ से इसका एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लाइट वाले टूल में जाके। लोग अपना फोटो के अकॉर्डिंग बढ़ाना, तो इतना बढ़ा देते हैं। फिर आते हैं स्क्रीन का कलर थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। फिर इसका टिंट को देखते हैं, थोड़ा सा माइनस कर देंगे। फिर सेम जहाँ जहाँ डार्क लग रहा है आप लोग अपना फोटो के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस आइकन में जाके रेडियल ग्रेडियंट लेके जहाँ जहाँ डार्क लग रहा है आप लोग यहाँ से एक्सपोजर बढ़ा लेना है कुछ स्टेप से ड्रॉ करके। तो मैं यहाँ से जल्दी से कर लेता हूँ। तो वैसे मैं इसका प्रीसेट भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इजीली इसको कॉपी पेस्ट करके अपना फोटो में एक क्लिक में ही आप लोग एडिट कर पाओगे। तो इसका प्रीसेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो वैसे देख सकते हो फाइनली अच्छा से एडजस्ट करने के बाद सिंपली यहां से इसको राइट कर देना है। राइट करने के बाद देख सकते हो बिफोर आफ्टर कितना मस्त मूडी टोन में अपना फोटो एडिट हो चुका है इजीली। तो इसका प्रीसेट कैसे यूज करते हैं वो भी बता देता हूँ। तो पहले सबसे पहले थ्री डॉट में जाना है। थ्री डॉट में जाके यहाँ से कॉपी सेटिंग कर लेना है। कॉपी सेटिंग करने के बाद यहाँ से अपना फोटो को, जो भी फोटो को एडिट करना चाहते हो उस फोटो को यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से सिंपली थ्री डॉट में जाके यहाँ से पेस्ट सेटिंग कर देना है। तो गाइस देख सकते हो एक क्लिक में ही अपना फोटो उस स्टेप से मूडी टोन में फोटो एडिट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को इस वाले कलर टोन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, फोटो एडिटिंग अच्छा लगा है, तो आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक करना। चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। आप लोग जिस टॉपिक में जिस कलर जिस टाइप का फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हो कमेंट करके जरूर से बताना। मैं अगला उसी टॉपिक में वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।